ಜವ ಹೆಂಗ್ ಸಾಕಾಗ್ಯದ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषा और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का ट्रेंड है वो चल सा पड़ा है। लोगों को वायरल होने के लिए इस तरीके की बातों का प्रयोग किया जाना लगा है और उसके बाद माफी भी मांग ली जाती है। एक और नया मामला सामने आया है, वीडियो के अंदर ये शख्स बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। हालांकि ये कई सारी आपत्तिजनक और अभद्र भाषा है जिसकी वजह से ये वीडियो मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ, जबकि ये वीडियो आप देख रहे हैं मेरे साइड में। ये वीडियो ट्विटर पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश के अंदर यह रहने वाला शख्स लगातार बाबा साहब अंबेडकर जी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग है वो कर रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का बताया जा रहा है, जो कि खुलेआम संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी को गालियां दे रहा है। इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में लगातार गाजियाबाद पुलिस से लोगों की मांग की जा रही है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें ताकि समाज में सौहार्द बने रहे। वहीं आपको बताने की कोशिश करें तो गाजियाबाद डीसीपी सिटी कमिश्नर की तरफ से इस मामले में जानकारी मिल रही है कि इस मामले में थाना नंदग्राम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कई सारे लोगों की तरफ से पुलिस से यह भी जानकारी मांगी जा रही है कि आखिर अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है, लेकिन पुलिस ने यह मामला जरूर करवा दिया है कि अब तक इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगामी दिनों के अंदर इसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। यहां पर सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी महापुरुष के बारे में, किसी भी धर्म समुदाय या किसी भी महापुरुष या किसी देवी देवता के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता है तो शायद आपको बता दें कि उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि महापुरुष हो, चाहे आप उस महापुरुष को मानते हैं या नहीं मानते हैं, यह अलग बात है, लेकिन करोड़ों लोग उसे मानते हैं और उस बात को आप तर्क के आधार पर तो रख सकते हैं, उसकी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर ओछी मानसिकता के तहत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करके, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके आप कभी भी सक्सेसफुल या कामयाब नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आपको जेल या फिर पुलिस धाराओं की चक्कर है वो लगानी पड़ती है। सभी साथियों से और युवाओं से खासतौर से मेरी अपील है कि सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग टीम चलती है उसके देखकर या उसके फलों फलों के अंदर अपनी भावनाओं को व्यक्त करके किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज ना करें।